हेलो स्टूडेंट्स, नाउ सी एक्सरसाइज 8.1, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट द प्रिंसिपल इज गिवेन 10,800 एंड द रेट इज गिवेन 12 × 1/2% पर एनम एंड टाइम इज गिवेन 3 years. According to question, here we have to calculate compound amount and compound interest. In a previous video, the formula to find a compound amount is already given. Here you should know that A equal to P into 1 plus R by 100 raised to power N RT. Here P 10,800 into 1 plus R, R is given 12 × 1/2%, यानी इसको या मिक्सेड फ्रैक्शन में है, इसको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 12 × 24 = 125, यानी आर के प्लेस पे हम 25/2% लिख सकते हैं। सो हियर वी कैन राइट 25/2/100³ आर इट इज 10,800 × 1+25। या 2 जो है डेनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट इज 25/200। नाउ 10,800 × 200 × 225 × 225/200³। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 25 8 जार एंड 25 9 जार। आर यू कैन राइट 10,800 × 9³ = 729 और 8³ = 512। अब इसे जो है सिंप्लीफाई कर लेना है, इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, 4 से कैंसिल करा दें, इट विल बी 4 2 जार 8, 4 7 जार 28 एंड 00। और 4 से इसे कैंसिल करा लें, 4 1 जार 4, 4 2 जार 4 1 जार 4 1 11, 4 2 जार 8 3 32, 4 8 जार। नाउ यू कैन अगेन बाई 4, यू कैन राइट हियर 4 से कैंसिल करा दें, 4 3 जार 12 एंड 4 2 जार 8, और 4 से इसे कैंसिल करा दें, 4 6 जार 24 एंड 3 30, 4 7 जार 28 और 2 20, 4 5 जार 20। इट मीन 675 × 729/32। हियर नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 675 × 729 एंड देन डिवाइड बाय 32। सो हियर 675 × 729, अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 5 जार 45 5 in and 4 9 7 जार 63 and 4 67 in and 6 9 6 जार 54 and 6 60 2 5 जार 10 2 7 जार 14 1 15 5 in and 1 2 6 जार 12 1 13। फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जार 35 in and 3, 7 7 जार 49 and 3 52 in and 5, 7 6 जार 42
and 5 47. Sum will be 7 5 7 5 5 10 0 in and 1 or 6 9 6 3 9 1 10 or 2 12 2 1 2 और 7 9 एंड 4. अब इसे आपको 32 से डिवाइड कर लेना है. इट मीन इट विल बी इक्वल टू 4 9 2 0 7 5. अब इसे 32 से डिवाइड कर लेना है. 32 1 जा 32 7 एंड 1 2 172 हुआ. 5 जा ले जाए 32 5 जा 160 2 एंड 1 12 हो गया. फिर यहाँ 0 ले लेंगे 32 3 जा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 10 माइनस 6 यानी 4 और यह हुआ 11 माइनस 9 यानी 2. फिर 7 कॉपी कर ले 7 जा ले जाए तो 7 2 जा 14 4 इन एंड 1 और 7 3 जा 21 और 1 22. 7 2 जार 14 4 in and 1 7 3 जार 21 1 22. Now 7 minus 4 यानी 3 4 minus 2 यानी 2 cancel हुआ. Now the last number is 5. Now you can divide again by 7. The 7 2 जार 14 4 1 7 3 जार 20 और 1 22. Now 1 and 1 यहाँ पॉइंट लेंगे 0. 32 3 जार 96 10 माइनस 6 यानी 4 और 10 माइनस 9 यानी 1 अगेन. अब 32 4 जार 4 2 जार 8 4 3 जार 12. इट मीन इट इज 15,377.34. It is compound interest. And so compound amount हुआ और compound interest A equal to A minus P. Here A equal to 15,377.34 and minus 10,800. Subtract कर लेना है. It is equal to 0.3477. एंड 3 माइनस 8 यानी 13 माइनस 8 है 5 एंड यार 4 माइनस 0 यानी 4 यानी यह जो है सिंपल इंटरेस्ट हो गया 4,577.34 रुपीस. इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में यदि प्रिंसिपल फाइंड हो, रेट मालूम है, टाइम मालूम है तो इस फार्मूले को यूज करके हम कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का कैलकुलेशन कर सकते हैं. नाउ सी इफ प्रिंसिपल इज गिवन 18,000 टाइम 82 इंटू 1 बाई 2 इयर्स एंड रेट इज गिवन 10% पर एनम. हियर टाइम इज इन मिक्सड फ्रैक्शन नॉट ए होल नंबर. सो हियर वी विल यूज सिंपल इंटरेस्ट मेथड. इट मीन एट फर्स्ट फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर. इट मीन एस आई वन. इट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100. हियर पी इक्वल टू 18,000 आर 10 एंड टाइम 1 बाई 100. यह 0 टू 0 एंड 0 टू 0. सो इट इज रुपी 1,800. इट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर. सो अमाउंट एट लास्ट फर्स्ट ईयर इट इज इक्वल टू P आप क्लास एस आई वन. हियर P इक्वल टू 18,000 एंड एस आई वन इज 1,800. सो इट इज 18,000 1,000 19,800 रुपीज. एंड
द अमाउंट एट लास्ट फर्स्ट ईयर या जो है नेक्स्ट ईयर यानी सेकेंड ईयर के लिए अब यह प्रिंसिपल हो जाएगा। इट मीन पी टू इक्वल टू ए वन एंड इक्वल टू रूपी 19,800। नाउ फाइंड एस आई टू, इट इज पी टू इंटू आर इंटू टी बाई 100। हियर पी टू इक्वल टू 19,800, आर इज सेम टाइम वन बाई 100। अगेन डबल जीरो टू डबल जीरो कैंसिल, सो एस आई टू इक्वल टू 1,980 रुपीज। एंड अगेन अमाउंट एट लास्ट सेकेंड ईयर इट इज ए वन प्लस एस आई टू, हियर ए वन इज 19,800 एंड एस आई टू इज 1,980। द सम विल बी रूपी 08 एंड 8 9 17 7 1 9 1 10 1 11 1 and 1 2। Here 0 0 and 8 8 8 or 9 17 7 1 2 and 19 21। यह जो है अमाउंट जो है सेकेंड ईयर के लास्ट में हुआ। नाउ सी हियर प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर, इट मीन पी थ्री, इट इज इक्वल टू ए टू, इट इज इक्वल टू ए टू हाफ प्लस, इट इज इक्वल टू अमाउंट एट लास्ट नाउ इक्वल टू ए टू एंड सो इट विल बी 21,780। नाउ अगेन एस आई थ्री हैव टू फाइंड, इट इज इक्वल टू पी थ्री इंटू आर इंटू टी बाई 100। हियर पी थ्री 21,780, आर इज 10 एंड टाइम नाउ 1/2, इट मीन हाफ एंड बाई 100। अगेन यार 0 टू 0 एंड 0 टू 0 कैंसिल, 2178 इंटू 1/2। अब इसे सिंप्लीफाई कर ले, नाउ 2 1 जार एंड यार 2 1 जार 2 0 0 17, 2 8 जार 16 एंड 119, 2 9 जार 18। इट मीन एस आई थ्री इज 1,089 रुपए एंड सो अमाउंट एट लास्ट 2 × 1/2 ईयर्स इट इज, इट मीन नाउ यू हैव टू फाइंड ए थ्री, ए थ्री इक्वल टू पी थ्री प्लस एस आई थ्री। हियर पी थ्री इज 21,780 एंड एस आई थ्री 1,089। द सम विल बी 0 and 9 9, 8 and 8 16, 6 in and 1 7 0 7 1 8 1 and 1 2 and 2। इट मीन 22,869 रुपीज। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 × 1/2 ईयर्स, इट इज इक्वल टू ए थ्री माइनस पी, ए थ्री इज 22,869 एंड पी इज गिवेन इन स्टार्टिंग 18,000। सो 9 6 8 22 माइनस
18 यानी 4. इट मीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 × 1/2 इयर्स इज 4869 रुपीज. इस तरह से हम जो है यहाँ 18,000 रुपीज का 10% पर एनम के रेट से 2 × 1/2 इयर्स में हमने यहाँ अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड कर लिया. अब इस बेस पे हम दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें. नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे. ओके, थैंक्स.